दोस्तों एशिया कप की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान में ही होगा। दोस्तों एशिया कप जो इस बार का होने वाला है वो पाकिस्तान में ही होगा, ऐसा न्यूज़ आ रही है दोस्तों। और भारत को जो है वो पाकिस्तान नहीं जाने के अलावा कहीं और जाना पड़ेगा। सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे, आखिर भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता तो कहाँ होगा एशिया कप, भारत के सारे मैच कहाँ होंगे, सारा चीज़ इसमें वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, दोनों टीमें पीसीबी और बीसीसीआई दोनों के बीच जो है बैठक हो चुकी है। उसमें डिसाइड हुआ है कि एशिया कप 2023 का जो है वो जो कि सितंबर में होने वाला है वो जो है पाकिस्तान में ही होगा। उसके बदले दोस्तों आपको भारत के सारे मैचेस जो है वो किसी और मैदान में कराने होंगे। भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, आप सारी टीमों को जो है पाकिस्तान ले आइए, पर दोस्तों भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत के सारे मैच जो है आप किसी और मैदान में कराइए। तो इस बात पर मंजूरी मिली है दोनों टीमें की, और जाहिर सी बात है किसी पर डिस्कशन भी होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पीसीबी यानी बैठक के अध्यक्ष निजाम शेट्टी और क्या बोलते हैं जयेश शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव है और आईपीएल गवर्नमेंट कोडिंग के अध्यक्ष अरुण धूमल, तीनों ने मिलकर दोस्तों यह डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है किसी और मैदान में खेला जाएगा। इसके अलावा भारत के सारे मुकाबले किसी और मैदान में खेले जाएंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का भी जो है मैच किसी और मैदान में खेला जाएगा और भारत पाकिस्तान जो है अपना एशिया कप की मेजबानी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसे सिर्फ एक ही मंजूरी बोली कि भारत को कोई और मैदान में खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों उस मैदान के लिए दोस्तों बहुत सारे नाम सामने आए हैं, तो सबसे बड़ा संभावना है कि दुबई के मैदान में भारत के सारे मुकाबले हो सकते हैं। ज़्यादा चांस दोस्तों दुबई के ग्राउंड का, बट दोस्तों अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ कि भारत के मुकाबले कहाँ होंगे। उसके लिए दोस्तों लिस्ट में जो देशों के नाम आ चुके हैं, कोई सटा हुआ देशों को उसी में दोस्तों पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के मुकाबले हो। तो पहला दोस्तों नाम आता है ओमान का, यूएई का, इंग्लैंड का और श्रीलंका। तो ये कुछ नाम आते हैं जहां भारत के सारे मुकाबले हो सकते हैं। आपको बता दें कि एशिया कप में भारत के मुकाबले लगभग 6 मुकाबले होंगे, क्योंकि दोस्तों भारत के ग्रुप में पाकिस्तान भी पड़ता है, जिस कारण से दोस्तों भारत के और पाकिस्तान का लगभग 2 मुकाबले हो सकते हैं, जिस कारण से दोस्तों पाकिस्तान चाहेगा कि कोई करीब में ही देश को हो तो फायदा हो हमारे। तो जाहिर सी बात है कि दुबई ज़्यादा चांस है कि दुबई में ही दोस्तों भारत के सारे मुकाबले हों। तो आपको बता दें कि इस साल सितंबर के महीने में दोस्तों एशिया कप ओडीआई का एशिया कप खेला जाएगा, जिसमें दोस्तों 13 दिन में 13 मुकाबले होंगे और लगभग 4 टीमें जो है वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसमें दोस्तों सुपर 14 यानी 4 टीमें जो है क्वालिफाई करेंगी प्ले ऑफ्स के लिए, जिसमें दोस्तों सेमीफाइनल मैच होगा और लास्ट में वो उन दोनों टीमों में जो जीतेगी वो जो है फाइनल पहुंचेगा और फाइनली डिसाइड हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों क्या इसके बाद जो है वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होकर कोई और ग्राउंड में होगा। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है दोस्तों, कौन सा ग्राउंड होता है। पूरी तरीके से ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि यह ग्राउंड जो है दुबई का ग्राउंड हो सकता है। तो एशिया कप के दोस्तों पहले ग्रुप में जो है पाकिस्तान होंगे और दूसरे ग्रुप, पहला ग्रुप में दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा एक और कोई क्वालिफाइड टीम करेगी वो होगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे ग्रुप में दोस्तों बांग्लादेश होंगे और अफगानिस्तान होंगे और इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका होंगे। तो देखने वाली बात है कि इस बार का एशिया कप कौन जीतता है। ज़्यादा चांस दोस्तों भारत का ही, क्योंकि भारत जो है वो अच्छी टीम है दोस्तों, पर दोस्तों पिछला T20 एशिया कप जो है भारत हार गया था और उस एशिया कप को दोस्तों श्रीलंका जीत गया था। तो देखिए इस बार क्या होता है दोस्तों एशिया कप के इस मैच में। तो मिलते हैं स्टेडियम, तब तक क्लिप बाय। तो बाय बाय।